नमस्कार दोस्तों, मैं अमन आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल में। दोस्तों बात हम कर रहे हैं यहां पर स्टॉक मार्केट की, और क्या रियल में अब स्टॉक मार्केट खतरे में है, क्या ये गिरावट बहुत आगे तक जाने वाली है और इसके कारण क्या हैं, और किस तरह से आपको अब निवेश की अपनी स्ट्रेटेजी को लेकर के चलना चाहिए। वीडियो में दोस्तों बने रहिएगा, बहुत हेल्प करने वाली है आपके। और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हों तो सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो आपको अच्छा लगे तो आप लाइक भी कर सकते हैं। दोस्तों देखिए, यहां पर स्टॉक मार्केट के अंदर जहां आपने देखा पिछले एक महीने में स्टॉक मार्केट 8% तक गिर चुका है, और वहीं पर अगर लास्ट आप कुछ मंथ से बात करें तो स्टॉक मार्केट लगभग 14-15% तक क्रैश हो चुका है, और यहां पर इन्वेस्टर्स को बहुत ज्यादा लॉस भी हो रहा है। अब सवाल यह आता है कि मार्केट और कितना गिरने वाला है। तो आपको सबसे पहले मैं एक चीज बता दूं दोस्तों, अगर इस वीक के अंदर देखिए मार्केट में आज भी आपने एक बड़ी गिरावट देखी, गैप डाउन ओपनिंग हो रही है मार्केट के अंदर, और ऐसा नहीं है कि मार्केट एक ही बार में सीधा डाउन चला जाएगा। इन सब चीजों को भी समझ लीजिएगा, एक ही बार में सीधा डाउन नहीं जाएगा, आपको धीरे धीरे, जैसे बुल रन आपने अभी तक देखा और बुल रन के अंदर ही मार्केट में बहुत सारे न्यू इन्वेस्टर्स आए हैं। मार्केट के अंदर जितने भी नए इन्वेस्टर्स आए वो सारे के सारे बुल रन के अंदर आए, जो कोविड के बाद आपको आता हुआ दिखाई दिया। और बुल रन की भी एक बहुत ही खास चीज है जो भी आपको पता होना चाहिए, वो है ये कि जब भी बुल रन स्टार्ट होता है तो बुल रन के अंदर आप देखेंगे कोई ना कोई ऐसी निगेटिव न्यूज के बाद ही बुल रन स्टार्ट होता है, जो कि अब एंड हो चुका है बुल रन का। 18,000 के लेवल से मार्केट अब आपको लगातार डरावने सपने दिखा रहा है, और यहां पर इन्वेस्टर्स को बड़ा लॉस हो रहा है। अब देखिए मार्केट के कब तक गिर सकता है और कैसे, अगर इस वीक के अंदर, मैं इस पूरे वीक की बात कर रहा हूं जो कि आज मंडे से हम फ्राइडे तक काउंट करने वाले हैं, अगर इस वीक के अंदर मार्केट ने 16,400 के ऊपर आपको क्लोजिंग नहीं दी तो दोस्तों आप यहां से सीधा और सिंपल समझ लीजिएगा कि अभी मार्केट लगभग 10-15% और क्रैश होने वाला है। कम से कम आप ये नोट करके जरूर रखिएगा, 15% तक मार्केट डाउन जाने वाला है, और 13,000 के लेवल तक ये मार्केट अब जा सकता है। 12,500 पे एक बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट रहने वाला है, और यहां तक मार्केट के गिरने के चांसेस हैं। अब रीजन क्या है, तो यहां पर अगर आप देखें तो इस समय जो वॉर की सिचुएशन चल रही है वो ओवरऑल वर्ल्ड में सभी के लिए खतरा है, क्योंकि अगर इसमें कोई भी देश डायरेक्ट तौर पर किसी भी देश के साथ में आता है तो एक वर्ल्ड वॉर की सिचुएशन भी पैदा हो सकती है। और क्रूड ऑयल के प्राइसेस आप देखेंगे, कच्चा तेल बहुत ज्यादा महंगा हो चुका है, $130 पर उसका प्राइस पहुंच चुका है, जो कि लास्ट टाइम आपने 2008 की सिचुएशन में देखा था कि क्रूड ऑयल किस तरह से महंगा हुआ था, और इसका इंपैक्ट हर उस देश पे पड़ने वाला है जो दूसरे देशों के ऊपर निर्भर है कच्चे तेल के लिए, जैसे उसमें हमारा एक प्यारा भारत भी आता है और इंडिया को भी दूसरे देशों से ही तेल खरीदना होता है। वैसे अगर कहा जाए तो रूस ने इन्हें एक ऑफर भी दिया है, रूस से जो लोग तेल बेचते हैं उन्होंने एक ऑफर दिया है इंडिया के लिए कि अगर आप हमसे तेल खरीदें, लेकिन सिर्फ पैसे देने का जरिया एक बना लें जिससे कि हम आपको 20-25% का डिस्काउंट आसानी से दे देंगे नॉर्मल जो प्राइस चलता होगा, क्योंकि अब रूस के ऊपर जितने सैंक्शंस लगाए गए हैं उसके हिसाब से देखा जाए तो उनके लिए अब सरवाइव करना भी मुश्किल होगा। लेकिन और यही सबसे बड़ा रीजन है कि वॉर लंबा भी चलेगा और बड़ा भी, क्योंकि रूस अगर अभी हार मानता है तो यहाँ पर रूस की स्थिति बहुत ज़्यादा खराब हो जाएगी। तो इसीलिए रूस को अब अपनी पावर के बल पे ही रहना होगा, और पावर के बल पे ही अपने ऊपर से सारे चीज़ों को हटाना भी होगा, और यही रीज़न है कि रूस अब पीछे नहीं हट सकता है, और इसी वजह से ये वॉर भी बहुत ही खतरनाक मोड लेती हुई दिखाई दे रही है। फिलहाल अगर ये वॉर रुक भी जाती है तब भी यहाँ पर प्रॉब्लम्स का सामना करना होगा, और ये जो सिचुएशन है वो बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है, और इसी वजह से मार्केट आपको बहुत ही विकराल रूप अपना दिखा रहा है। यहाँ पर मार्केट अभी आज के दिन में भी आप देख रहे हैं किस तरह से आपको गिरता हुआ नजर आया, कमबैक की कोशिश होगी और ये सारी चीज़ें चलेंगी,
और हम चाहेंगे कि मार्केट रिकवर करे, लेकिन ऐसा होता हुआ दिखाई नहीं देता है। बहुत सारी सिचुएशंस को अगर आप देखेंगे, मिलाएंगे, तो आपको यहाँ पर मार्केट में ये डाउनफॉल ही नजर आएगा। तो अब ये बियर मार्केट शुरू हो चुका, और बियर मार्केट के अंदर सवाल ये आता है कि अब हम निवेश करें या फिर नहीं करें, तो कैसे करें, सारी चीज़ों के जवाब भी आपको यहीं पर मिलेंगे। वीडियो आप लाइक कर दीजिए दोस्तों, आपको बहुत कुछ यहाँ से सीखने को जरूर मिला होगा, और नहीं मिला है तो डिसलाइक कर दीजिए। देखिए, अब अगर निवेश की बात करें तो इस समय अगर मार्केट इतना ज़्यादा क्रैश होगा तो आप इस वीक में वेट भी कर सकते हैं, और वहीं इक्विटी में निवेश करना, अब अगर मार्केट क्रैश होगा तो जाहिर सी बात है आपके लिए एक लॉस वाला सौदा होगा, और नुकसान का सौदा कोई भी नहीं करना चाहता है मार्केट के अंदर। तो यहाँ पर आप गोल्ड्स के साथ जा सकते हैं, बॉन्ड्स के साथ जा सकते हैं, लेकिन अगर आप फिर भी किसी स्टॉक में निवेश करना चाहते हैं तो उसका तरीका है सिंपली, अगर आपको लगता है सिंपली ये वॉर बहुत जल्दी ख़त्म हो जाएगा, या फिर आप कहें कि वॉर ख़त्म हो ना हो मुझे इससे फ़र्क नहीं पड़ता, ये कंपनी आगे चल के बहुत बेहतर काम करेगी और इससे मैं मुझे तगड़े डिस्काउंट पर मिल रही है, तो डेफिनेटली आप उस कंपनी के साथ में जा सकते हैं और आपके लिए वहां पर काफी ज्यादा फायदा होता हुआ नजर आ जाएगा। और वहीं दूसरी चीज आपको यहां पर एक और नजर रखनी है कि आप इस समय पेनी स्टॉक्स पर इतना ज्यादा भरोसा ना करें, पेनी स्टॉक्स में आपको थोड़ा सा संभल करके रहना बहुत जरूरी है, क्योंकि पेनी स्टॉक्स मार्केट में आपको अभी बड़ा लॉस दे सकते हैं, इसलिए सोच समझ के अपने निवेश को कीजिएगा दोस्तों, बाकी आपकी अपनी मर्जी है। अब मैंने आपको सारी चीजें क्लियर भी कर दी हैं, आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं आपको ये वीडियो कैसा लगा, और वहीं साथ ही साथ क्या यहां पर सच्चाई है या फिर नहीं। चैनल पे अगर पहली बार आए हो तो आप सब्सक्राइब बटन भी दबा दीजिएगा दोस्तों।